कैसी लगी फिल्म बॉम्बेरिया? ठीक है, देखी मूवी, मतलब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा खास स्टोरी तो है नहीं मूवी की। डायरेक्शन है, डेब्यू तो क्या, बट एक्चुअली इतना खास नहीं दिखा मुझे, जैसे जिस तरीके की स्टोरी बनाई है उन्होंने, बस नॉर्मली है जो भी। राधिका कैरेक्टर था, उसने एक एजेंट पी आर का कैरेक्टर किया है, जैसे सेलिब्रिटी मैनेजमेंट या इवेंट्स वगैरह थे वो कराते हैं, तो उसका था। बट उसमें देखा गया उसका एक फ़ोन चोरी हो जाता है और उसी के ऊपर कहानी है कि जो जिसने चुराया होता है या फिर जो दूसरा एक कैरेक्टर रहता है उसका साथ देता है उसी को लेकर, क्योंकि एक पीआर का काम होता है जो सेलिब्रिटी को मैनेज करता है या फिर किसी एक्टर को करता है, उसमें काफ़ी सारे एक्ट्रेस एक्टर्स के नंबर भी रहते हैं, तो उसी बेस पर मूवी है। स्टोरी के बाद एज ए नॉर्मल ही, मतलब ज़्यादा खास थी, वही है कि पीआर बेस पर मूवी बनाती है। सिद्धांत कपूर रहता है जो कि मोबाइल चोरी कर लेता है, और अक्षय ओबराय रहता है जो कि उसका साथ देता है कि उसका फ़ोन ढूंढने के, फ़ोन उसका कोऑपरेट करता है, और जिनका जो खासकर जिसका पीआर करती है वो रवि किशन रहते हैं। अब जाए तो उनको अब इतने बड़े स्टार के दिखाया है तो थोड़ा बहुत तो उसका टेंशन होगा ना, तो वही चीज़ सारी स्टोरी को लेके मिक्सअप एक मीडिया टाइप बना दिया उन्होंने। नहीं भाई, एक ही टाइम के लायक ही मूवी है बस ये। दो दूंगा भाई। हाँ, बॉम्बेरिया जस्ट देख के आ रही हूँ बाहर। मूवी मुझे अच्छी लगी, लाइक ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है। राधिका आप्टे ऑब्वियसली जैसे वो हर मूवी में रहती है वैसे ही है वो एकदम सेम, और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन डिलीवर करती है ना, स्पेशली मैं बोलूँ ये मूवी राधिका आप्टे के लिए बहुत अच्छी है, मतलब उनके फैंस ज़रूर आएंगे देखने, क्योंकि वो वैसी मूवीज़ के जो टॉपिक्स होते हैं वो उठाती है। ये मूवी भले लो बजट है बट काफ़ी अच्छी है। अक्षय ओबेरॉय ने भी अच्छी एक्टिंग की है, एंड लाइक मुझे इतना पसंद नहीं आया ओवरऑल। अगर आप मुझे पूछोगे सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग, तो मैं तो राधिका का ही नाम लूँगी, और शिल्पा शुक्ला ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। जहाँ तक रवि किशन है वो वो तो जाने ही जाते हैं, अपने उमदा कलाकार के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो सब ने कहीं ना कहीं अपना पार्ट बहुत बखूबी निभाया। वेल, उनको देख के तो लग नहीं रहा था कि मूवी है, क्योंकि फर्स्ट हाफ मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सेकंड हाफ मुझे थोड़ी लगी कि एग्जैगरेट हुई है, बट ओवरऑल अगर मैं मूवी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लगी, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है। कितने से आउट ऑफ 5 में से मैं 3 स्टार देना चाहूँगी। बॉम्बेरिया फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके अंदर राधिका आप्टे जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। स्टोरी लाइन वाइज बहुत अच्छी है, फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, सेकेंड हाफ को थोड़ा सा ड्रैग किया है उन्होंने, लेकिन ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें बहुत अच्छी फिल्म है। अक्षय और सिद्धांत अच्छे हैं अपने कैरेक्टर में, लेकिन जो है फोकस राधिका आप्टे पे जाएगा आपका, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है फिल्म में। डायरेक्शन वाइज तो बहुत अच्छी, मतलब डायरेक्शन बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, और स्टोरी लाइन वाइज आपको बहुत पसंद आएगी फिल्म। ज़रूर ज़रूर। आउट ऑफ 5 2.5। थैंक यू। मूवी इज़ ओके, आई मीन इट्स अ कॉमन स्टोरी, बट यू कैन से इट्स ऑल्सो न्यू स्टोरी बिकॉज दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मी। एंड राधिका आप्टे, शी इज़ गुड एक्टर एक्ट्रेस, एज शी हैज़ वर्क इन अंधाधुन, सो परफॉर्मेंस इज़ गुड, आई हैड लाइक्ड हर वर्क। सिद्धांत कपूर एंड दिस आर न्यू, सो दे हैड वर्कड, बट ओके नॉट मच। डायरेक्शन वॉज ओके, नॉट एक्सट्रीमली। 3। वेलकम।